नजर बनी हुई है। खुले बोरवेल में एक मासूम गिर गया, 6 साल इसकी उम्र है और मयंक इसका नाम है। अब तक जो जानकारी लगी है, खेल रहा था ये, खेलते खेलते अचानक से बोरवेल में चला गया। लोगों ने आवाज सुनी और अभी रेस्क्यू की कोशिश लगातार की जा रही है। जेसीबी पहुंच चुकी है और भी मशीनें यहां पर पहुंच चुकी हैं। जनीह थाना इलाके के मनिका गांव का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। रीवा से बड़ी खबर, खेत में खोदे गए बोरवेल में मासूम गिर गया है। एक पैरेलल गड्ढा खोदने की जो सामान्य रणनीति, समानांतर गड्ढा तैयार करने की रणनीति, उसके तहत अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक्सपर्टीज ऐसा लगता है शुरुआती ये देखकर कि एक्सपर्टीज की यहां पर कमी है, विशेषज्ञों की यहां पर थोड़ी कमी है, लेकिन वो पूरी की जा रही है। तो मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है, ये दरअसल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और अचानक से ये बोरवेल में जा गिरा। अब अगर किसी नेता, राजनेता, जिम्मेदार अधिकारी से सवाल पूछा जाएगा कि वो गड्ढा खुला हुआ क्यों था, तो वो कहेगा नहीं सर, हमारी प्रायोरिटी तो रेस्क्यू करना है, बच्चे को बचाना है, और उसके बाद हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए कहीं नजर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का बार बार ऐसा घनघोर उल्लंघन हो कैसे सकता है? यही परेशानी है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कोई एक मामला नहीं है, प्रिंस से लेकर और मयंक तक तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें हमने मासूमों को खोया। प्रिंस बच गया था, हमने ऐसे मासूमों को खोया। खुले बोरवेल में 6 साल का मासूम गिर गया है। मयंक इसका नाम है और इसे निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल जेसीबी की मदद से एक पैरेलल गड्ढा वहां पर खोदा जा रहा है। एक और बात, फीट तय नहीं हो पा रहा है कि कितने फीट गहराई में मयंक जाकर फंसा हुआ है। शुरुआत में जानकारी लगी कि कैमरा अंदर डाला गया है और अब धीरे धीरे जानकारी और पुख्ता हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें अब तक आई हैं जेसीबी के जरिए, जनेह थाना इलाके के मनिका गांव में यह रेस्क्यू चल रहा है। बोरवेल में मासूम गिरा हुआ है, खुले बोरवेल में। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के मामलों के, उनका इंतजार किया जा रहा है। अलग अलग जो टीमें होती हैं उनके कोऑर्डिनेशन के जरिए ये दरअसल पूरा ऑपरेशन होता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत, एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है तमाशबीनों को घटना स्थल से दूर रखना। उसके लिए सामान्य प्रशासन यहां पर मुस्तैद है। एक जो बड़ी चिंता, 6:31 अभी हो चुका है और सबसे बड़ी चिंता यह रहेगी कि जैसे जैसे लाइट कम होगी, रेस्क्यू की रफ्तार धीमी होती जाएगी। यही चिंता है वहां के स्थानीय लोग, जो उनकी चिंता है। और ये एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो बोरवेल जिसमें मयंक खेलते वक्त गिरा है। और एक तरफ वो तस्वीरें जो, जैसा हमने कहा कि शुरुआत में सामान्य जो तरीका एक पैरेलल गड्ढा खोदने का होता है, उस तरीके से कोशिश की जा रही है। मोटा मोटी जितना ये मिट्टी नजर आ रही है, काली और चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी पानी में मिलकर मुसीबत पैदा करने लगती है, आम तौर पर यह व्यवहार होता है। शिवेंद्र कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे कि इस इलाके में पानी की अधिकता है, यानी थोड़ी खुदाई के बाद पानी शुरू हो जाएगा। लिहाजा यह बहुत जानना जरूरी कि मयंक कितनी गहराई पर फंसा हुआ है। अब तक जो जानकारी मिली है, 60 फीट गहरा यह बोरवेल है, लेकिन ये जो फीट के आंकड़े होते हैं बार बार अक्सर बदलते हैं। अब जब एक्सपर्ट यहां पर पहुंचेंगे तब सारी स्थितियां साफ हो पाएंगी। तत्काल सभी को सूचित किया गया, SDM साहब, CO साहब, तहसीलदार, सभी लोग मौके पे हैं।
और तत्काल में यहाँ पर पहुंचा, थाने प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुंचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचा। तो प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं ये आपने सुना, हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, इस वक्त तक क्या कुछ अपडेट, और मुझे जरा इस गांव और रीवा के बीच की दूरी मेरा ख्याल है 90 किलोमीटर यही कुछ होगी। हरीश, बिल्कुल ललित, जिसे आपने कहा कि 90 किलोमीटर दूरी, बिल्कुल 90 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ एक गांव है, जहां से लगभग उत्तर प्रदेश की भी दूरी यहां से बहुत कम जो है तो नजदीक में ही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि रीवा जिले के सबसे लास्ट गाँव में यह घटना हुई है। यही कारण है कि तमाम जो टीम है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसे यहाँ पहुंचने में वक्त लग रहा है, क्योंकि जो यहाँ की लोकल व्यवस्था थी, चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए या बोरवेल के अंदर कैमरे की बात की जाए, तो जो लोकल स्तर की व्यवस्था थी वही अभी तक यहाँ जो है तो मुहैया हो सकती है। बाकी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए प्रयास जद्दोजहद जारी है, प्रयास जद्दोजहद जारी है, लेकिन एक्सपर्टीज चाहिए इस तरह के मामलों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब शुरू करते हैं।